हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडियन गेमर्स चैनल पे। हम खेल रहे हैं स्पिंटायर्स, शक्तिशाली ऑफ रोड ट्रकों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना लेके चल रहे हैं। वो महत्वाकांक्षी परियोजना ये है कि आज मैं सोच रहा हूँ, मैंने मीडियम लॉक तक उठाए हैं, आज मैं सोच रहा हूँ सबसे वाले जो लंबे लकड़ी के लट्ठे होते हैं वो ले जाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम एक ये थोड़ा सा मैप मैंने अनक्लॉक नहीं किया है, जैसा कि आप देख सकते हो पूरा ये अभी क्लोक्ड है, मुझे कुछ भी नहीं पता कहाँ पे क्या है। लेकिन मैं एक बार लकड़ियाँ पहुँचा चुका हूँ मीडियम वाली, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा रास्ता याद है। तो आज क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और इस मैप में सबसे बड़े ट्रक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ई क्लास का ट्रक है 7310 और दो डी क्लास के हैं और अपनी प्यारी प्यारी जीप। तो आज एक डायरेक्ट यही कोशिश करते हैं, लंबे वाले लट्ठे ले आने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना में मैं सफल हो चुका हूँ, वरना मैं अपलोड नहीं करता, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मैप। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो भाई स्टार्ट हो जाइए, आज आप ही को परफॉर्म करना है, लकड़ियाँ आप ले जाएंगे, आप में लग क्या कह सकता है। बाय द वे, आप में लगाने से पहले मुझे पता है लंबा वाला लॉक ट्रेलर लगाने के लिए पहले आपको पोजीशन करना पड़ता है। पोजीशन कर लें, उससे पहले कुछ अनइंस्टॉल कर लिया जाए। अभी इसमें क्या क्या लगा हुआ है, मीडियम लॉक ट्रेलर है, हटा दिया, क्रेन है, हटा दी, ठीक है जी। अब मैं ज़रा से सीधा कर लूँ, फिर लगाते हैं इसमें लंबा वाला ट्रेलर। अच्छा, लंबे वाले ट्रेलर के लिए क्या क्या चाहिए मैं ये भूल गया, चलो ट्राई करते हैं, जो भी चाहिए होगा। सीधा खड़े हो जाओ, शाबाश। अरे पलट मत, रुक जा, ठीक है जी। पहले पोजीशन कर लूँ सही से, क्या क्या लगता है दिखाई दे दे। हाँ जी, अब आ गया सही पोजीशन में। लॉक कार्ट लगेगी शायद, हाँ यही है लॉक कार्ट है, और लंबा वाला लग जाएगा लॉन्ग लॉक ट्रेलर। झकास, एकदम सही तरीके से। अब एक और पंगा है अपने पास, इस गेम का अभी तक का सबसे शक्तिशाली ट्रक है 73120, यही नाम है ना, 7310, इसे लेके चलते हैं आज। अच्छा, एक ये भी हो सकता है, या तो मैं दो टूर मारूं, समझ रहे हो आप, या तो मैं दो टूर मारूं, रात का 8 बज चुका है, अंधेरा होने लगा है, लाइट जला लेते हैं, या फिर मैं इस ट्रक को इससे बांध के ले चलूं, क्या कहते हो आप। यही करते हैं, उसकी भी लाइटें जला लूं तो मज़ा आएगा। चल भाई, तेरी भी लाइटें जल गई, अब तू विंच लगा ले इसमें और इससे ले चल ले। ओ वो कितना मज़ा आएगा यार, रोड ट्रेन बन जाएगी, वो वाला ट्रक कितना लंबा है, और वो भी मैं इतने लंबे ट्रक के साथ जोड़ दूंगा, पूरी रोड ट्रेन चलेगी इस जंगल में। अरे वाह, मज़ा आएगा। विंच, बस उसका कोना मिल जाए। अच्छा, मैं कहूँ विंच क्यों नहीं मिल रही, मैंने इंजन तो स्टार्ट ही नहीं किया बड़े वाले ट्रक का। अब आएगी ना विंच, अब आया। चल भाई, जुड़ गए सब, सब सेट हो गया, चलें। हेडलाइट भी ऑन हो गई, पावर ब्रेक भी ऑन है, ऑफ कर लूँ, ऑफ हो गए, पहले से ही ऑन कर लो डिफलॉक ऑल व्हील, वो भी ऑन कर लूँ। चलो आज अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना पे ही काम करते हैं, आ जाइए जी। आ गया यार वो, एक बार में आ गया, जा कहाँ रहा जा कहाँ रहा, अपनी मर्जी से भाई, इधर चलना है, इधर पूरी रोड ट्रेन। ओए होए होए, एक बार देख लूँ भाई साहब, मज़ा ही आ जाएगा आज तो। वैसे मैं थोड़ी सी स्टूपिडिटी कर देता हूँ हमेशा, नई नई चीज़ें ट्राई करके, लेकिन जब तक नई चीज़ का मज़ा ना लिया जाए तब तक थोड़ा सा हार्ड कोर ना बनाए चीज़ को, तब तक मज़ा हार्ड बनाए, हार्ड कोर नहीं, हार्ड हार्ड जब ज़्यादा मुँह चलता है ना तो ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें निकलती हैं मुँह से
मैं ये भूल गया हूँ कि मैंने माइक ऑन किया कि नहीं किया। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सही में, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से हमें जाना है ईस्ट में और ये मुझे सही रास्ता लग रहा है। ये 8x8 वाले ट्रक होते हैं ना, इनकी यही प्रॉब्लम होती है, मुड़ते नहीं हैं प्यार से, अपनी मर्जी से ही चलेंगे। यार पानी है, आगे खींच लोगे तुम? C310 7310 आ रही है अपनी रोड ट्रेन, चल तो सही रहा यार, अभी तक तो कोई पंगा नहीं है। पंगा भी जब हो जाता है ना तभी पता चलता, तब तक कुछ पता नहीं चलता। ये मडी वाटर है इसलिए मैंने इधर पानी में ले लिया। ये छोटा छोटा नहीं ज़मीन का पैच दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको मटमैला सा पानी नज़र आए ना समझो आप वहाँ जा सकते हो, और जहाँ नीला पानी होने लगे समझो वो गहरा है। आ रहा है अपना ट्रक, रात के 10 बज रहे हैं। चल 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 भाई, काम हमारा रुकता नहीं है यहाँ पे रशिया के जंगलों में, रात हो या दिन हो। और आज हमारी नाइट ड्यूटी है, इसका मतलब जब रात में काम कर रहे हैं, रात के 10 बज गए हैं और काम करना शुरू किया तो आज हम ग्रेवयार्ड शिफ्ट में आए काम करने के लिए। चल भाई खींच ले। अच्छा मैंने क्या किया ना, विंच भी थोड़ी लंबी रखी है, वरना क्या होता है ये लुढ़क के आता ना आपस में घुसते रहते हैं और डैमेज लेते रहेंगे, तो मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है। और जब लंबा होता ना ये लंबी होती ना ये रोड ट्रेन तब मज़ा आता है। नो डबल मीनिंग्स, फैमिली चैनल है फैमिली चैनल। चल मेरा भाई ट्रक, चल दिखा दे अपनी ताकत। वैसे मैं बार बार उसे देखता हूँ ना, सिर्फ खूबसूरती निहारने के लिए देखता हूँ जो मेरी रोड ट्रेन आ रही है पीछे। वह तो टकराए हुए खींच लियो भाई, तेरा ऑल व्हील और डिफलॉक तो ऑन है ही है, खींच ही लेगा। अच्छा मैंने उस दूसरे वाले ट्रक को जिसे हम खींच रहे हैं ना, उसका ये मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया है, क्योंकि उससे क्या होता है ना पहिए थोड़ा सा जाम होने लगते हैं, फिर अपने ये क्रेन वाले ट्रक पे E7310 पे जोर पड़ता, इसलिए वो मैंने ऑफ कर दिए हैं। मुझे लगता है सुबह तक हम लंबर मिल पहुँच जाएंगे। मैं बताऊँ हमने अच्छे टाइम पर शुरू किया है गेम, बिल्कुल सही जो गेम टाइम है उसके हिसाब से कह रहा हूँ। रात के 11 बज चुके हैं, सुबह तक लंबर मिल पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से। और फिर जो है एक्चुअली में रोशनी की ज़रूरत तभी है यार, अभी तो ये ताकतवर शक्तिशाली दानव है, ये तो कहीं से भी निकाल लेगा, खुद भी निकल जाएगा उसे भी निकाल लेगा। लेकिन वो छोटा वाला, अगर छोटा कह रहा हूँ, वो छोटा नहीं है यार, डी क्लास का जो ट्रक है वो अगर लकड़ी लेके लंबी वाली लंबर लेके कहीं फंसा रात में तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये अच्छा ही है। मैं क्या करूँगा नहीं, ये पानी आ रहा ना, थोड़ा सा रखूँगा तो किनारे पे ही, लेकिन कीचड़ के ऊपर नहीं लूँगा वरना फंस जाएगा। आ रही है अपनी रोड ट्रेन, आ रही है। अच्छा अंधेरे में वो बिल्कुल उसका पीछे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा, वरना बहुत दूर है वो भी। एक बार ट्राई करूँ, एक बार देख तो लें यार सरा थोड़ा सा। अरे तू यार पावर ब्रेक ले मेरे, ये आ रही अपनी रोड ट्रेन, वो जा रहा। चल मतलब मैंने भी चढ़ाई पे पावर ब्रेक ऑन कर दिया। एक्चुअली में इसमें एक और टेक्निक है, जैसे मैंने आपको ऑफ रोडिंग की एक टेक्निक बताई थी कि इसके जो आगे वाले पहिए हैं वो लेफ्ट राइट आप करते रहो तो कभी कभी फंसे हुए में से निकल जाता है। एक और टेक्निक है ऑफ रोडिंग की जो मैंने भी सीखी है और टिप्स में भी पढ़ी थी, अपनी स्पीड आप मत खो, क्योंकि अगर ये कभी कभी होता है जहाँ बिल्कुल आप फंस जाते हो ना, हो सकता है आप थोड़ा सा मोमेंटम पीछे से बनाते हुए आ रहे होते तो वहाँ ना फंसते। यार ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, मुझे एक बार को पानी से इतना डर नहीं लगता, मुझे पत्थरों से ज़्यादा डर लगता है, पत्थर बिल्कुल जो है जाम कर देते हैं, थोड़ा सा ना पानी में से ही निकल जाते हैं। पत्थरों से बचें बस, निकल ही आए। वो अगर फंसेगा पत्थरों में तो मेरे ख्याल से निकाल ही लेगा, देखो वो फंस भी रहा है।
नहीं नहीं पानी में से जा रहा है। आ गया आ गया आ गया, जोर लग रहा भाई अब तो। मेरे ख्याल से वो पत्थरों पे से निकल रहा है इसलिए जोर लग रहा। आ गया आ गया, निकल आया चीते तरीके से। 12 बज गए लेकिन यार रात ही रात में हम आए हैं, लंबर मिल पहुंचने ही वाले हैं। लो जी रात में ही है खेल, आज आज पूरा गेम रात में ही है। अब एक पंगा है, अब क्या करते हैं, आगे से कहीं से एक रास्ता जाता है अगर मुझे कोई सही ध्यान है, मतलब वो रोड नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसी पे भरोसा करते हैं और इसे ही ले चलते हैं। तेरे इंजन ऑन है? तेरा इंजन तो ऑन ही है, चल भाई अब तू यहाँ से अकेला चल। क्या डैमेज कैसे, ओए मैं क्या करता हूँ यार, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये मैंने क्या किया, कसम से यार मैंने भी बंदरों वाले गेम खेले हैं, जबरदस्ती मतलब पंगा लिया है जबरदस्ती, शुक्र मनाओ कि अपना ये वाला रखे हैं। कहाँ है, लाओ बेंच लगाऊँ, उसे ऊपर ही खींच लेता हूँ, मुझे पता वो नहीं चढ़ पाएगा अपने आप। आ जा भाई, ना ना उस तरफ नहीं, इसे ही मैं पीछे खींच लूँगा, मतलब वो भी मुझे लगता है डी क्लास वाला ट्रक भी ये सोच के कूद गया होगा भी, ये तो है ही बचा ही लेगा। यार ये जोर मार रहा है तो चढ़ नहीं रहा, लेकिन अभी हमारे पास एक और ब्रह्मास्त्र है। किसकी बात कर रहा हूँ बता है? इनकी, ये एक्सटेंडेड एंकर्स लगाऊँ शायद कुछ काम बनेगा। ये ज़मीन पे इसने पकड़ बनाई, अब उसे खींचने की कोशिश करता हूँ मैं विंच से। नहीं चढ़ रहा भाई वो, नहीं चढ़ रहा, इसके इंजन की भी ताकत लगानी पड़ेगी। ये मैंने बिल्कुल ही ज़बरदस्ती के पंगा लिया, ऐसे ही बता रहा हूँ, अपने आप पे गुस्सा आ रहा, घटिया ड्राइवर होता ना ये उसकी हरकतें होती हैं। तुम ही लगा लो विंच, लग गई विंच। चल भाई चढ़ जा ऊपर, और मैं भी बंदर हूँ उसके, वो कुछ भी ऑन तो कर ही नहीं रखा, भूल जाता हूँ मैं भी। बस इतनी औकात है, मैं क्या करता हूँ मैं ऐसे ही निकालने की कोशिश करता हूँ, उसके बस की भी नहीं है। मैं छटाऊँ उसकी, चल भाई तू अपना ही अलग काम कर, तू ही परफॉर्मेंस दे यार। ये मुझे ऊपर तो चढ़ाना है, आगे से मुझे यार रास्ता पता नहीं सीरियसली, और आप जानते हो उस पे गेम में क्या हो, रास्ता अगर नहीं पता है तो यार पूरा जंगली जगमगा गया हेडलाइट जलाती। आराम से मैं ले तो लूंगा शायद, हैं अगर मैं पेशेंस से चलूं तो ले तो सकता हूँ। अभी भी मेरा बाकी का हिस्सा ऊपर है, इतना लंबा ट्रक है कि बाकी का हिस्सा ऊपर है, पलटी हो मत और खिसकी हो मत, ऊपर चढ़ जाए एक बार, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, शाबाश 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 शाबाश। हाँ जो जबरदस्ती का पंगा लिया था वो सॉल्व हो गया। सुबह का 2:30 बज गया, चिड़िया अभी नहीं सोई, चहचहा रही है। अब वो रास्ता और मिल जाए एक बार, बस वो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये रहा एक छोटा वाला पेड़, मैंने निशानी लगाई तो थी, मेरे ख्याल से यही है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ सामने से, तुझे मैंने सही तोड़ दिया, बीच रास्ते में खड़ा हुआ था मेरे, वैसे ही मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, वैसे सॉरी क्रिसमस ट्री, पर यही सही रास्ता हो यार, यही सही रास्ता हो, पीछे का भी निकल आया ट्रेलर।
सकता यही सही रास्ता। उसे भी तोड़ूं, उसे भी तोड़ दिया, सब हट जाओ मेरे रास्ते से। आहा, मुझे लगता रास्ता मिल गया। यस यस यस, यही है यही है यही है। अगर मैं सही जा रहा हूँ तो आगे ही लंबर मिल। ओ यस, दिख गए लकड़ी के लट्ठे। सुबह के 3 बजे हैं और हम आ चुके हैं लंबर मिल। और घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बड़ा वाला भी ट्रक जो है वो भी बाहर खड़ा हुआ है। लेकिन अब तक तो कुछ भी नहीं था, आपने भी देख लिया। कहानी यहां से शुरू होती है। क्यों? असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है जब हम लकड़ी उठाएंगे। लेकिन एक काम, वो लकड़ी उठाने से पहले क्या करता हूँ मैं, ये सीधा कर लूँ। नहीं तो फिर लकड़ी आती नहीं है, फिर पंगे होते हैं। ये सरक जाए एक बार बस प्यार से बिना पलटे। अरे यार चला जाए यार, सरक जा। अबे ले 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 ले, नहीं पलटना नहीं पलटना नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं अभी यार, ये अच्छा खासा ट्रक पहुँचा है। जो एक्स्ट्रा सर्कस में करने की कोशिश करता हूँ ना, उसी में पंगे होते हैं। सीधा तो हो गया सीधा। अब अपना काम चल सकता है वैसे। क्यों, बिल्कुल ही कर लूँ, जितना हो सकता उतना कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसे देखते हुए चलाऊँगा। क्योंकि अगर ये सीधा ना हुआ ना, बड़े पंगे होते हैं। देखो अभी भी कह रहा है ना पोजीशन नहीं हो ट्रक। अच्छा मैं अभी पोजीशन करता हूँ भाई, तेरी बात ही रख। अब तो दे दे लकड़ी, अब तो बिल्कुल सीधा है। ये साले हमेशा ही परेशान करते हैं, हमेशा। मैं इससे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, कितना भी लगा लो सीधा। अब तो सीधा है, लोड अप आ गया। यस, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैंने ये तो कर दिया है। अब मोड़ो, क्योंकि हमें जस्ट उल्टा खड़ा हूँ और उस साइड जाना है मुझे। किस साइड? मैं नॉर्थ में मुंह करके खड़ा हूँ, साउथ में जाना है। 4 बज गए, सुबह की रोशनी होने वाली है। बस मैं ये सही से मोड़ो। शाबाश, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। अब फंस गया, वो पीछे रुक चुका है। लेकिन बस ये थोड़ा सा मैं निकल जाऊँ। अब क्या करता हूँ मैं, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। अरे रुक जा यार, तू लड़कने क्यों लगता है बात बात पे? यहाँ कोई पेड़ मिल जाए तो मैं इसे सीधा कर लूँगा। कोई है विंच, कोई देगा मुझे सहारा? कोई नहीं देगा मुझे सहारा। वो पीछे जहां भी लड़ रहा है ना यार, बड़ा वाला ट्रक लेके आऊं? नहीं यार, इतने छोटे काम के लिए बड़े वाले ट्रक को जरूरत नहीं। निकल ही जाऊंगा मैं यहां से एक बार, बस ये सीधा हो जाए। वैसे एक आइडिया मेरे दिमाग में ये भी आया, पीछे वाले को भी तो मोड़ सकते हैं जैसे पहले सटकाया था। जरा सी जगह बन जाए फिर मैं इसे पूरा पैक कर सकता हूँ, क्यों? लेकिन यार थोड़ा सा पंगा ये है ना, अब पलटने का डर है सीरियसली, पहले नहीं था। अरे वाह यार, बहुत सारे पॉइंट मिल गए, इस वाले पे लगाता हूँ। मोड़ देगा ये? मोड़ दे भाई, मोड़ दे। मैं इंजन की ताकत लगाता हूँ, बिल्कुल उल्टे काम कर रहा हूँ मैं। और एक आइडिया है और बेहतरीन वाला निकालने का, इस वाले को लगाता हूँ मैं। एक कोई सहारा मिल जाए बस यहाँ से। मिल गया मिल गया मिल गया, अब मुड़ जाएगा ये, अब मुड़ जाएगा। चल 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 चल, सुबह भी
जितनी दम थी उसने निकाल लगा तो ली यार, ये तो हिल भी नहीं रहा यार, मैं क्या करता हूँ ना, इससे ही काम चलाने की कोशिश करता हूँ मैं यार। इधर एक आध पेड़ तो होना चाहिए यार, कोई तो दो यार सहारा, कसम से यार मैं इतना दूर तक लेके आया हूँ, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पेड़। तुम लोग यार पेड़ बड़े गंदे गंदे से हो, कोई तो दे दो सहारा फंसे हुए आदमी को। कोई ना भाई, अब ऐसा है सर्कस बंद करते हैं, अपनी पहियों की ताकत पे भरोसा रखते हैं, कोशिश करते हैं निकलने की। अब हटा, नई अप्रोच, टोटल नई अप्रोच, बहुत देर हो गई उधर मुड़ने की, अब मैं इधर से ले और अब ढूंढ मत ढंग से और देखते हुए मुड़ूंगा। वो पीछे लंबर में ही टकरा गई थी इसलिए जगह नहीं मिल रही थी मुझे, अब तो जगह मिलेगी, तो सही मुड़ रहा हूँ। ले डैमेज जितनी लेनी है तू मुड़ जा, हो गया नहीं मुड़ गया एक बार में, पंगे कर रहा था मैं भी, पता नहीं कहाँ कहाँ गया। लेकिन मैं बताऊँ यार यहाँ पत्थर है, डर मुझे इस बात का लग रहा है ये चढ़ा पाएगा। अब वो तो तभी पता चलेगा जब मुड़ेंगे, बहुत पत्थर हैं यार ये, कोई तो साफ कर दिया करो, कौन इस लंबर मिल का जो है मैनेजर है। ये बड़ा पत्थर आ गया भैया, मैं नेवर माइंड, कम से कम ट्रक तो मुड़ गया, मैं इतनी इतनी बात में ही खुश हूँ। कोई तो पेड़ मिले, अब तो मिले कोई पेड़, अब तो कोई मिलेगा पेड़। कोई नहीं है यार, ये तो कोई भी मदद करने को यहाँ तैयार ही नहीं है, जरा जरा सी बात। दोबारा वही करूँगा, आगे नहीं जा सकता, पीछे जाऊँगा, फिर दोबारा कोशिश करूँगा यार। ये तो पत्थर बार बार आया था, लेकिन अब पेड़ मिल जाएगा मुझे, बहुत बढ़िया, पत्थर भी निकल गया, बहुत सही बहुत सही। स्पीड नहीं खोने दूंगा मैं, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी क्या होता है, ज़्यादा भी ट्राई किया तो फंस सकता है, लेकिन मैं एक्सीलेटर से हाथ नहीं हटाऊंगा। आ जाएगा ट्रक, हल्का हल्का पलट रहा है, आ गया आ गया आ गया। चलो जी लंबर मिल से निकल आए, वो भी बड़ी बात होती है यार, इतना बड़ा ट्रक जो है मोड़ना बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो जी अभी तक तो सब बढ़िया है, बढ़िया नहीं है, नज़र लग जाती है हर बार जब भी कहता हूँ। मुड़ जा भाई, मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, प्यार से मुड़ जा। ये बीच देखना, बीच रास्ते में बड़ा पत्थर पड़ा हुआ, मैंने इसके ऊपर ले तो लिया, निकल जाऊँगा मैं ना, अटक गए। इंतज़ार किस बात का, इस सब की तो मुझे उम्मीद थी ये सब होगा, क्योंकि इतना भारी ट्रक निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। चल भाई इंजन की ताकत भी ले तू, निकल निकल आया। निकल आए थोड़ा सा कहीं और, आहा आगे का भी पेड़ मिल गया, आगे का ही है ना, हाँ बेहतरीन। पावर ब्रेक ऑफ, चल थोड़ा और निकाल, थोड़ा और निकालो, हमें आपका सहारा चाहिए पेड़ जी। आ गए आठों पहिए बाहर आ गए, वेरी गुड। पिंच रिलीज कर दूँ, अभी तक तो सब खैरियत से ही है, अभी तो अटक गया। अच्छा पावर ब्रेक है, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। आ गया ट्रेलर, वो पीछे वाले पहिए ना फंसे यार उस पत्थर में, लगता फंस गया। निकला भाई निकला, दिन चाहिए होगी तो मिलेगी तेरे को, आगे भी पेड़ है वैसे,
ऐसे ही निकल सकता है ना, वो पीछे वाले पत्थर ने फंसा लिया। इस मोड़ पे बड़ी परेशानी हो गई, ये होनी थी यार, वो कैसी गलियों में से तो निकल रहा हूँ, उन गलियों में भी बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तरीका तो ये कहता है कि पहले पत्थर हटाइए और फिर निकलिए। थोड़ा सा खींच लें आप, निकल गए बस। एडवेंचर रिलीज। जो पहिए वाले हैं ना ट्रैक्स, उन्हीं पे रहते हैं, क्योंकि आप जानते ही हो मुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार ये इसके आगे वाले पहिए लटक गए तो फिर ये तब तक नहीं मुड़ता जब तक वापस ज़मीन पे ना आ जाए। उससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, बार बार बैक करते रहो, आगे आते रहो तो भी नहीं लुढ़कता। ढलान आ रही है लेकिन मैं स्पीड बिल्कुल भी धीमा करूँगा नहीं, तो डैमेज ले या कुछ भी नहीं। डैमेज उसने बहुत भारी वाली ली, 138 डैमेज हुई। डैमेज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा ट्रक बस रुकना नहीं चाहिए और स्पीड मेंटेन रखनी है, बदलाव करनी है, तब भी अभी तक तो सही परफॉर्मेंस है यार। रोड एक उधर भी जा रही है, देख रहे हो आप, उधर भी जा रही है एक रोड। अब इस पे चलें उस पे चलें मुझे याद नहीं आ रहा। शिट, इसी पे चलते हैं, इसी पे चलते हैं और देखते हैं क्या। लेकिन अब फैसला कर लिया जाए क्योंकि दो रोडें जा रही हैं, अगर दोनों ही मिस कर दी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अरे ये तो पीछे ही जा रही है, तो तू तो कैंसिल हो गई, इस वाली भी चलते हैं। मुड़ जाएगा एक बार में या बैक करके लूँ, बैक करके ले लेते हैं, पलटने वलटने की अपन टेंशन। टेंशन ले रहा है, चढ़ गया। सही चढ़ा दिया। सुबह हो चुकी है सर, पूरा सुबह के 10 बज रहे हैं, 9:50 यार ये मैंने ले कहाँ लिया है ट्रक से, अभी तक कोई मेन रोड नज़र नहीं आई। जब से लंबर मिल से निकला हूँ ऐसी पगडंडियों पर ही चल रही है। वैसे मेन रोड पे हम जा तो सकते थे, अगर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चलते, लेकिन फिर उसमें भी पंगा ये होता है रास्ता लंबा हो जाता है, लेकिन श्योरिटी भी होती है। सही तो जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही जा रहा हूँ, आगे रोड है। ढलान है कर्री वाली, ब्रेक तो मैं अभी नहीं लगाऊंगा, डैमेज लेते हो तो ले लो आराम से, डैमेज मत लियो, बस मैं स्पीड स्लो नहीं कर रहा हूँ। आगे रास्ता है, वैसे कीचड़ है, पहियों के ट्रैक्स भी बनना है तो रास्ता होगा। अब तो हम अपने क्रेन वाले ट्रक से भी बहुत दूर आ चुके हैं। और एक और बात बताऊं, करीब करीब टंकी भी आधी खाली हो गई है, और कहीं सर्कस अगर होता है तो डीजल भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी भी परेशानी है नहीं। अपना एक ट्रक खड़ा हुआ है गैराज पे, उस पर वो डीजल वाला कंटेनर लगाओ, फ्यूल वाला, उसे ले आओ, फिर फ्यूल भर जाता है। यार एक रास्ता जा रहा साउथ में और एक जा रहा नॉर्थ में, जहाँ तक मुझे याद है नॉर्थ में ही था। आ जा प्यार से आ जा। मुड़ गया। आगे मुझे यार ढलान नज़र आ रही है, बिल्कुल कर्री वाली ढलान है। चलता जा भाई, अभी तक तो तू परेशान नहीं किया, जितना तूने परेशान किया है उतना तो बनता है यार, इतना भारी ट्रक है, कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल रहे। डैमेज तो नहीं लिया, अरे बल्ले बल्ले डैमेज एक नहीं लिया, पूरी जान से उतरा हूँ। चलो मैंने अभी तक ये नहीं कहा, खुशी हो रही है कि चौड़ी रोड पे हम आ गए। फिर दोबारा ढलान आ गई, चलो भाई चल, जानता ही है तू मैं स्लो नहीं करूँगा स्पीड बिल्कुल भी। डैमेज मत लियो, हाँ नहीं ली डैमेज,
साफ सुथरी रोड है ना, पत्थर पत्थर नहीं पड़े हुए हैं, चढ़ा लेगा, कुछ ज्यादा ही खड़ी चढ़ाई नहीं हो रही है ना। लेकिन एक और बात, जंगल बहुत खूबसूरत है यार। ओए ओए ओए, एकदम से ड्रॉप है। अगर इधर गिरा ना ट्रक तो मुझे लगता वो क्रेन वाला भी नहीं निकाल पाएगा, लकड़ी के साथ तो कभी नहीं निकाल पाएगा, अकेले सिर्फ ट्रक को निकाल ले शायद। चलो इस खड़ी दलान पे भी हम चढ़ गए, ट्रेलर भी आ गया पीछे पूरा। अभी तक तो सब ठीक ही जा रहा है। वैसे इस ट्रक की भी डिटेल्स देखी है ना, जिन लोगों ने मॉडल बनाए हैं रशियन ट्रक्स के, सही डिटेल पे ध्यान दिया है यार। मतलब आप देखो हॉर्न वॉर्न सब कुछ है यार। अब एक मुझे ध्यान करना है, शिट, यहाँ कहीं रास्ता है, यहीं से कहीं रास्ता है। अगर मैंने आगे ले लिया ना तो पंगा हो जाएगा। एक ये जा रहा है सामने रास्ता, और एक ये नीचे है, शायद ये नीचे वाला ही है जहाँ तक अगर मैं सही सोच रहा हूँ। अगर मट्टी वाली वो पानी आया ना तो वही, यही है, यही है। फस मत, चलते रहो, इतने पानी से तुम निकल जाओ। मतलब अब हम समुद्र में चला रहे हैं, समुद्र है उस साइड, झील भी नहीं है, समुद्र है पूरा। पलट मत भाई, पलट मत, सही ले आया ना इस कोस्ट पे यार, कोस्ट साफ लग रहा है मेरे को, इस कोस्ट पे चलाते रहते हैं। सही आ रहा, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से मैंने ले तो लिया और निकल भी गया। यहाँ से तो ऊपर नहीं आ रहा अगर मैं सही हूँ। हाँ यही दो पेड़ थे, एक छोटा एक बड़ा, और आगे वाली ढलान से मैं ऊपर ले लूँगा, और अगर सब सही है तो एक रास्ता आ जाएगा। अबे भी कहाँ जा रहा है, अपनी मर्जी मत चला तू, मेरे हिसाब से चल, चढ़ जाएगा इतनी खड़ी ढलान पे। अगर मट्टी सही हुई तो चढ़ जाएगा, वरना बिंच लगा लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी तक तो सही आ गया यार, रास्ता है। मैं भी खुश तो हो रहा हूँ, जब तक मेन रोड ना आ जाए तब तक कुछ भी पक्का नहीं है। अभी कोई यही रास्ता बंद हो जाए, इतना बड़ा ट्रक लेके मैं कहाँ जाऊँगा। सही आ रहा, आगे ढलान आ रही है, रोड भी है। रोड जैसी एक चीज़ है, अब ब्रेक में लगाऊँगा नहीं बिल्कुल भी, डैमेज मत ले भाई। हाँ सही है यार, डैमेज नहीं ली उसमें, क्या हुआ। हाँ प्लेन रोड भी आ गई, सही है यार। चल भाई चल, कैसे लोड ले ली ना। अच्छा ये पत्थर था ना, हाँ मैं इधर पेड़ों में से इसलिए ले रहा हूँ ना, एकदम से फिर उधर से लूँगा ना तो मेरे एक या दो पहिए ही ज़मीन पर रहेंगे, बाकी चार उठे रहेंगे तो वो ट्रक जोर नहीं लगा पाएगा और खींच भी नहीं पाएगा। अपने मेन फोर व्हीलर्स में भी यही होता है, कोशिश करें जब गड्ढे में से निकाल रहे हो आप फोर व्हीलर को तो आपके दो पहिए गड्ढे में नहीं होने चाहिए, कोशिश करें कि तीन ज़मीन पे। ये जो प्रोफेशनल गाड़ी चलाने वाले होते हैं ना उनको धीमे धीमे आ जाती है। अब या तो मैं उधर रोड से ले लूँ, ठीक है, एक ये रोड जा रही है और घूम के ये आएगी इधर ही है ना, हाँ, या मैं डायरेक्ट यहीं से ले लूँ। अबे यहीं से ले लेते हैं यार, अब तक तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी है इस ट्रक ने तो आगे भी दे देगा। धीमे धीमे लेता हूँ, आराम से आराम से आराम से निकल आएगा। मैंने तोड़ तो नहीं दिया, मैंने तोड़ दिया क्या ट्रेलर,
ये चैंपियन बन चुके हैं चैंपियन, लकड़ियां गिर गई इधर। अच्छी खासी रोड दिखाई दे रही थी यार, उससे लाना था। कोई तरीका भी नहीं है इसे वापस रख सकूं, अब क्या करूं। भाई किस जो खेल किसी के साथ, मैं कह रहा था नजर लग जाती जब भी कहो अब तक सही चल रहा, अब तक सही चल रहा। यार सर्कस भी तो मैं ही करता हूँ। अच्छी गाजी वो रोड आ रही थी, उस रोड से लाना था, घुमा गया। मुझे भी इतनी जल्दी पड़ती है, लेकिन जब तक इंजन में है जान तब तक हमें पहलवान। चल मेरा भाई, अगर हम ले आ सकते हैं ऐसे ऐसी घसीट के तो ले जाएंगे, और ले जा सकते हैं, दिखा तू अपनी ताकत। बस ये आगे वाले में से ना निकले। लकड़ियां अलग, ट्रेलर अलग, आहा आज तो भाई जंगल राज मचा दिया। बहुत सही, चल तो रहा अभी काम। ओ लंबर मिल आ गई। ओ भाई ट्रक से उतर और चूम ले इस धरती को। ओए होए होए लंबर मिल आ गई, लंबर मिल कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव आ गया। देखो माना तो जाना चाहिए, ट्रेलर पे ना नहीं लेकिन घसीटता हुआ तो लाया हूँ मैं। पीछे पूरा पेड़ साफ वाफ करके आ रहा है। ओए 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 पलट मत, बसों पे लिखा होता लटक मत पटक दूंगी। यहाँ के लंबर वाले भी कहेंगे क्या तमाशा है। ओए अनलोड का बटन आ गया, बहुत सही, अच्छे पॉइंट्स। यहाँ के लंबर वाले भी कहेंगे आईजी भाई कैसे कर लेते हो, लटक रहे थे लट्ठे फिर भी कैसे ले आए। और हमारा जवाब होगा बेटा मर्द जिगरा लेके पैदा होता है। होली दिवाली पे आया करो रशिया से भारत, पैर छुआ करो आशीर्वाद देंगे, तुम भी मर्द बन जाओगे। बाय द वे गाइस, फायर एक्सटिंग्विशर देखा, ये देख बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। मुझे खुशी इस बात की है कि पहुंचा दिया मैंने। अल्टीमेटली मुझे लग रहा था फेल हो गया मिशन, जहाँ लकड़ियाँ वो लटकी थी वहाँ मुझे लगा ख़त्म है मिशन। हॉर्न दिख रहा है, हॉर्न ये रहा हॉर्न, आगे से दिखाता हूँ, आगे से आ जा, ये रहा हॉर्न। सीरियसली आज पहुँचा दिया बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, मुझे उम्मीद नहीं। मुझे ये लग रहा था जब मैंने यार छोटे वाले लकड़ी के लट्ठों को इतना मुश्किल से पहुँचाया, लंबे वाले नहीं पहुँच पाए, लेकिन पहुंचा दिया भाई, आज तो मज़ा आ गया सीरियस। चलिए गाइस इस वीडियो पे तो लाइक बनता ही बनता है भाई, डिलीवर किया लोड। थोड़े से सर्कस हुए रास्ते में से, लेकिन अल्टीमेटली लोड डिलीवर करके दिखाया। तो लाइक कीजिए और बताइए अगर और देखना है स्पिन टायर्स। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय। अब मिशन तो ओवर हो ही चुका है, मैं क्या उस पुल पे जा सकता हूँ? जहाज में ट्रक चढ़ा दूँ? क्या पता जहाज इंडिया आ रहा हो और ये ट्रक अपना हो जाए, कितना मजा आएगा लौंडे पार्टी करने के लिए। ऐसे ट्रक लेके निकले दन बनाता हुआ, ये 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 मुझे नहीं पता था ये भी हो सकता है। अच्छा हुआ कर लिया, अरे वाह 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 यार, शिप है यार, यार चढ़ा लो हमें भी इंडिया ले चलो यार, इस ट्रक को पहुंचा दो, आईजी भाई के घर पे कोरियर कर दो यार इसे प्लीज़। बड़ा मज़ा आएगा यार, बड़ा मज़ा आएगा, प्लीज़ यार प्लीज़। चलिए फाइनली गुड बाय टाटा।